लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय वीर सैनिकों की शहादत के बाद देश में गम और गुस्सा है। भारत सरकार चीन को किस रूप में इसका जवाब देगी, इस पर सबकी नजरें हैं और भारत सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा भी दिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चीन को चेता दिया कि उकसावे जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद की ही बात की। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत वैसे तो शांति चाहता है, लेकिन किसी के उकसावे पर उसको उचित जवाब देना जरूर जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जवानों और उनके परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि देश आपके साथ है। सबसे पहले तो भारत सरकार ने LAC पर भारत और चीन के बीच जारी सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत को रोक दिया है और इस घटना के बाद से ही लगातार नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल भी राजनाथ सिंह, CDS विपिन रावत तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, LAC पर मौजूद हालात की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वीर सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं, इस बात पर आप सभी को गर्व होगा। पीएम ने कहा कि देश को हमारे वीर सैनिकों की शहादत पर गर्व है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी पीएम मोदी ने लद्दाख बॉर्डर पर तनाव का जिक्र किया, यानी पीएम मोदी के दिमाग में हर वक्त लद्दाख बॉर्डर और भारतीय वीर सैनिक हैं और इसलिए भारत सरकार ने चीन को घेरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर देश को जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी देश के राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ चीन मसले पर बात करेंगे और उन्हें मौजूदा जानकारी देंगे। इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि सेना, वायुसेना, नेवी को अलर्ट कर दिया गया है और ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत चीन की गलवान घाटी में की गई हिमाकत का बदला जरूर लेगा। इसमें चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसलों से लेकर कूटनीतिक और सैन्य फैसले तक संभव है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि भारत अपने सैनिकों की जान की कद्र करता है और सैनिकों की जान का बदला लेने के लिए हर स्तर पर विचार हो रहा है। सेना ने चीन सीमा से लगते लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP को अलर्ट कर दिया है और उनकी तैनाती भी बढ़ा दी है। इन इलाकों में ITBP की गश्त को भी बढ़ा दिया है। सुरक्षा बलों को चीन की किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। अब सेना लोकल स्तर पर भी निर्णय ले सकती है। साथ ही सूत्र बताते हैं कि सेना, वायुसेना और नौसेना को उच्चतम स्तर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी सेनाओं को बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सेना, वायुसेना और नेवी उच्चतम स्तर पर अलर्ट भी है और बताया जा रहा है कि हथियारों का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि लोकल कमांडरों को चीन से निपटने के लिए खुली छूट दी गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि ITBP को सेना के नियंत्रण में भी लाया जा सकता है, यानी सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है और जल्द ही चीन को जवाब दिया जाएगा। जवाब भी ऐसा होगा कि उसकी छोटी छोटी आंखें खुल जाए और फिर कभी भारत की ओर देखने का साहस न कर पाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।